गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TMPS ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का पार्ट 3 पेंसिल की चतुराई नामक पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों, चतुराई मतलब होशियारी। एक बार एक चूहा कुतरने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, उसे एक पेंसिल मिली। एक बार एक चूहा कुतरने मतलब काटने के लिए, अपने दांतों से उसको उतरने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, उसे एक पेंसिल मिली। पेंसिल लेकर वह बिल में घुस गया। बिल जहाँ चूहे रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? बिल। तब डरी हुई पेंसिल गिड़गिड़ाते हुए बोली। गिड़गिड़ाते हुए मतलब जब आप किसी से विनती करते हैं या प्रार्थना करते हैं उसे क्या कहते हैं? गिड़गिड़ाना। तब डरी हुई पेंसिल गिड़गिड़ाते हुए बोली, चूहे भाई मुझे छोड़ दो, मैं तो लकड़ी की हूँ, भला मैं तुम्हारे किस काम की, खाने में भी अच्छी नहीं लगूँगी। पेंसिल गिड़गिड़ाते हुए क्या बोली कि चूहे भाई मुझे छोड़ दो, मैं तो लकड़ी की बनी हुई हूँ, मुझे खाने में भी मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगूँगी। तो चूहा क्या बोलता है? मैं तुम्हें कुतरूँगा, अपने दांत पहने रखने के लिए तुमसे बढ़कर और क्या हो सकता है। पहने रखने मतलब तेज रखने के लिए, शार्प रखने के लिए। बच्चों, चूहे अपने दांत शार्प रखने के लिए कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं, जिससे उनके दांत क्या होते हैं? पहने यानी शार्प होते रहते हैं। तो वो क्या कहता है पेंसिल से कि मैं तुम्हें कुतरूँगा जिससे मेरे दांत शार्प हो जाए, इससे ज़्यादा तुम्हारा और कोई काम नहीं है। इतना कहकर चूहे ने पेंसिल को कुतरना आरंभ कर दिया। इतना कहकर चूहे ने पेंसिल को कुतरना मतलब काटना, आरंभ मतलब शुरू कर दिया। वह दर्द से चिल्लाई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मुझे दर्द हो रहा है चूहे भाई, बस मुझे एक आखिरी चित्र तो बना लेने दो, फिर तुम जो चाहो वही करना। पेंसिल क्या बोली? मुझे बहुत दर्द हो रहा है चूहे भाई, बस मुझे एक आखिरी चित्र बना लेने दो, फिर जो तुम चाहो वो ही करना। चूहा क्या बोला? ठीक है, तुम आखिरी चित्र बना लो, फिर मैं कुतर कर तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। उसने क्या कहा? ठीक है, तुम आखिरी चित्र बना लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुतरूँगा। पेंसिल ने राहत की सांस ली। पेंसिल ने क्या? थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि चूहा उसे आखिरी चित्र बनाने के लिए मान जाता है। उसने चित्र बनाना शुरू किया। किसने? पेंसिल ने चित्र बनाना शुरू किया। सबसे पहले उसने बड़ा गोला बनाया। चूहे को वह पनीर का टुकड़ा लगा। सबसे पहले पेंसिल ने क्या बनाया? एक बड़ा गोला, जिसे चूहा क्या समझ रहा था? पनीर का टुकड़ा। वह खुश होकर बोला, अरे वाह, यह तो पनीर है, पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेंसिल ने जो चित्र बनाया वो चूहे को पनीर की तरह लग रहा था, और चूहा क्या बोलता है? अरे वाह, यह तो पनीर की तरह है और पनीर तो मुझे बहुत पसंद है। अब पेंसिल ने उसमें 3 छोटे छोटे गोले बना दिए। फिर पेंसिल ने उस गोले के नीचे एक और गोला बनाया। चूहा फिर से चहकता हुआ बोला, चहकता हुआ मतलब खुश होते हुए बोला, अरे यह तो मीठा सेब है, यह भी मुझे बहुत पसंद है। चूहे ने क्या किया? वो क्या बोला कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल मीठा मीठा सेब जैसा दिख रहा है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। पेंसिल चतुराई से चूहे की हाँ में हाँ मिलाती हुई कागज पर चित्र बनाती रही। पेंसिल चतुराई से मतलब होशियारी से चूहे की हाँ में हाँ मिलाती हुई कागज पर चित्र बनाती रही। वह कभी चूहे को सेब जैसा लगता, कभी चमचम जैसा। चमचम एक प्रकार की मिठाई है बच्चों। वो चूहे को कभी क्या लगता था वो उसका चित्र? कभी सेब जैसा लगे, कभी चमचम जैसा। यह सब देखकर उसके मुंह में पानी भरने लगा। किसके मुंह में? चूहे के मुंह में पानी भरने लगा।
मुंह में पानी भरना मतलब किसी अच्छी खाने की चीज़ को देखकर उसके लिए लालच करना, को क्या कहते हैं, मुंह में पानी भरना। वह उतावला होकर बोला, उतावला होकर मतलब हड़बड़ा कर जल्दीबाजी में बोला, जल्दी करो नादान पेंसिल, देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है और बहुत भूख भी लग रही है। उसने पेंसिल से क्या बोला, जल्दी करो जो भी कर रही हो, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझे बहुत भूख लग रही है। उसके बाद पेंसिल ने ऊपर वाले गोले पर दो त्रिकोण बना दिए। पेंसिल ने क्या किया, उसके बाद ऊपर वाले गोले पर दो त्रिकोण, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल जैसा कुछ बना दिया। अरे अरे यह तो चित्र में बिल्ली बन रही है। चूहा क्या बोला, अरे अरे यह तो चित्र में बिल्ली बन रही है, इसे और आगे मत बनाओ नन्ही पेंसिल। लेकिन पेंसिल चित्र बनाती चली गई। उसने चूहे की बात अनसुनी करके ऊपर वाले गोले पर लंबी लंबी मूछें और मुंह बनाया। अनसुनी मतलब उसने चूहे की बात ना सुनी, कोई बात ना सुनना या उसको इग्नोर कर देना, उसे क्या कहते हैं, अनसुनी। उस पेंसिल ने क्या किया, वह चित्र बनाती चली गई और चूहे की बात नहीं सुनी और ऊपर वाले गोले पर लंबी लंबी मूछें और मुंह बनाए। अब चूहा डर कर चिल्लाया, अरे बाप रे यह तो बिल्ली मौसी है, बचाओ बचाओ। चूहा क्या कह के चिल्लाया, अरे बाप रे यह तो बिल्ली मौसी है, बचाओ बचाओ। बच्चों चूहा सबसे ज़्यादा किससे डरता है, बिल्ली से। किससे, बिल्ली से, क्योंकि बिल्ली चूहे को खा जाती है, इसलिए वह डर के क्या चिल्लाया, बचाओ बचाओ। ऐसा कहकर पेंसिल को छोड़कर चूहा अपनी जान बचाने के लिए भागा। ऐसा कहा उसने कि बचाओ बचाओ, और वह पेंसिल को छोड़कर चूहा अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। जान बचाने के लिए वो वहाँ बिल से अपने भाग गया। बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यदि आप किसी संकट में हैं तो अपनी चतुराई या होशियारी से, जो एक बहुत ही बड़ा गुण है, अपनी चतुराई या होशियारी से किसी भी संकट से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में पेंसिल ने अपने आप को चूहे से बचा लिया, कैसे, अपनी चतुराई से। थैंक यू।